हेलो गाइस, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने मोबाइल में लाइटो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद करके उसे पूरा प्रोसेस कर लेना है। उसके बाद हमको इसमें फोटोज इंपोर्ट करनी है। फोटो इंपोर्ट करने के लिए हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है और जो फोटो पसंद है उसे सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना होता है। हाँ, हम लोगों को जो फोटो एडिट करनी है उसे सिलेक्ट करना है। आज मैं एडिट करूँगा ये क्रैशी मैन फोटो को। वैसे तो इस फोटो को एडिट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, पर लाइटरूम से हमारी क्वालिटी कम नहीं होती है, फोटो अच्छी ही होती है एडिट। हाँ, स्टार्ट कर। सबसे पहले हम इसमें जाएंगे लाइट वाले सेक्शन में, तो एक्सपोजर को बढ़ा के देखेंगे। फोटो में रोशनी आ रही है, हम एक्सपोजर को रखेंगे 0.24। नाउ कॉन्ट्रास्ट -6। हाईलाइट्स -22। शेडोज, देखिए शेडोज बढ़ाते ही हमारे फोटो में एक रोशनी आ रही है। द ग्राउंड वी कैन एबल टू सी, हम लोग नीचे रोड देख सकते हैं, इतनी क्लीन हो जाता है। तो शेडोज हम लोग थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। वाइट्स को थोड़ा सा डिक्रीज, ब्लैक्स को थोड़ा सा डिक्रीज। एक्सपोजर 0.24, कॉन्ट्रास्ट -6, हाईलाइट्स -22, शेडोज 28, वाइट्स -17, ब्लैक्स -2। अब हम लोग आएंगे कलर वाले सेक्शन में। हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना होगा, टिंट को थोड़ा सा ग्रीनिश की तरफ, वाइब्रेंस, सैचुरेशन, नाउ टेम्परेचर 7, टिंट -10, वाइब्रेंस 31, सैचुरेशन 10। नाउ हम लोग मिक्सर वाले सेक्शन में आएंगे। रेड कलर, रेड कलर का हम लोगों को ल्यूमिनेंस हाई कर देना है। ऑरेंज कलर का ल्यूमिनेंस रहेगा 24, सैचुरेशन 6। नाउ सी, देन येलो कलर, येलो का ह्यू चेंज करेंगे हम लोग -29 पे। सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे -3 पे। हाई रखेंगे 33 पे। नाउ ग्रीन कलर, सैचुरेशन थोड़ा सा डाउन, ह्यू 5 पे, सैचुरेशन -14, ल्यूमिनेंस हाई 47। स्काई की कलर के लिए हमें यूज करना है एक ब्लू कलर, इट्स नॉट अफेक्टिंग। सो इंक्रीज द सैचुरेशन टू 46 एंड ह्यू टू डार्क ब्लू कलर। We change hue at -100, saturation at 100, luminance at -44. Now at purple color, saturation 51. At pink color, saturation at 50. हम लोग इस प्रोसेस को डन करेंगे। अब हम लोग आएंगे इफेक्ट्स वाले सेक्शन में। इफेक्ट्स वाले सेक्शन में हम थोड़ा सा टेक्सचर को इंक्रीज करेंगे ताकि फोटो की क्वालिटी इंक्रीज हो। क्लैरिटी को हम लोग इंक्रीज करेंगे, क्लैरिटी को रखेंगे 21 पे, सॉरी टेक्सचर को रखेंगे 21 पे, क्लैरिटी को रखेंगे 16 पे। डीहेज को थोड़ा सा डाउन अब करेंगे 1 पे। विग्नेट नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिटेल वाले सेक्शन में, हल्का सा शार्पिंग करेंगे, रेडियस डाउन, डिटेल डाउन, डन। हम लोग की फोटो डन हो चुकी है। अब हम लोग आपको फोटो का बिफोर आफ्टर दिखाएंगे। बिफोर आफ्टर, अब हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे, सेव टू डिवाइस कर लेंगे एंड डन। अपनी फोटो शुरू में इम्पोर्ट होती है, आखिरी में उसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं।